अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शर्ट पे हैंड पेंटेड एम्बेलिश डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। ये डिज़ाइन मैंने खुद क्रिएट किया है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कॉटन का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक पेंट की बात करें तो इसके लिए मैंने प्रिमा साटा सिल्क फैब्रिक पेंट यूज़ किए हैं। ये सिल्क के फैब्रिक पे भी यूज़ हो सकते हैं और कॉटन के फैब्रिक पे भी। ये मैंने गोल्डन कलर में गोटा आउटलाइन ली है। ये फ्लैट सीक्वेंस है पारे वाले ऑरेंज कलर में। बस यही मटेरियल यूज़ होना है। बटर पेपर पे मैंने डिज़ाइन को ट्रेस किया है, तो आप यहाँ से देख कर ट्रेस कर सकते हैं। बटर पेपर को हम फैब्रिक के नीचे रखेंगे और डिज़ाइन को ट्रेस करेंगे फैब्रिक के ऊपर। ये हमें वाजिया नज़र आ रहा है फैब्रिक के ऊपर वाली साइड पे डिज़ाइन, तो हम इसको ट्रेस करते जाएंगे। हम वीडियो को थोड़ा जूम कर लें कि डिज़ाइन कैसे ट्रेस करना है, तो आप देख लें कि हम डिज़ाइन को कैसे ट्रेस कर रहे हैं। अच्छे से नज़र आ जाएगा आपको। ये जिसके साथ हम ट्रेस कर रहे हैं लेड पेंसिल है, 12 भी पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रेसिंग के लिए। आप भी लेड पेंसिल का यूज़ करें ताकि वॉश होने के बाद पेंसिल के निशान रिमूव हो जाएं फैब्रिक से। ये मैंने ट्रेस कर ली है, आप देख सकते हैं दोनों साइडों पर डिज़ाइन ट्रेस हुआ। अंधेरा हो चुका तो फिर मैंने अगले दिन वीडियो स्टार्ट की है। एक फ्लावर मैंने रात को ही बना लिया था, तो ये वीडियो में दिखाने के लिए मैंने फिर अगले दिन स्टार्ट किया। पत्तों के लिए हमने ग्रीन कलर यूज़ करना है। हम ब्रश के साथ जितना ज़्यादा कलर लेंगे तो वो फैब्रिक के ऊपर उतना ज़्यादा फैल जाएगा, तो इसलिए आप ब्रश के ऊपर कलर कम लें कि ब्रश के ऊपर ज़्यादा कलर ना हो। हल्का सा ब्रश को हमने कलर के अंदर डिप करना है, फिर हमने इसको फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करना है कलर को। ये जो टहनियों वाले लीव्स हैं यहाँ पे हमने येलो कलर भी ऐड करना है। आपको अंदाज़ा हो गया कि हमने लीव्स में ग्रीन कलर यूज़ करना है, और जो फ्लावर है उसके अंदर हमने रेड कलर यूज़ करना है। हमने फ्लावर की अच्छे से आउटलाइन करते हुए फैब्रिक के ऊपर पेंट को अप्लाई करना है। तीन फ्लावर्स हैं, तीनों में हमने रेड कलर यूज़ करना है। रेड पेंट करने के बाद हम इसके ऊपर जो लाइनें लगी हैं यहाँ पे हम वाइट कलर से लाइनें लगा देंगे। ये लाइनें लगाने के बाद हम गोटा आउटलाइन करेंगे जो हमने लेड पेंसिल के साथ ट्रेसिंग की थी उनके ऊपर ऊपर हमने लाइनों के ऊपर ऊपर हमने गोटा आउटलाइन कर देंगे। फ्लावर्स में भी हमने गोटा आउटलाइन करनी है। जो वाइट लाइनें हैं यहाँ पे भी हमने गोटा आउटलाइन कर देनी है। प्रिमा साटा सिल्क फैब्रिक अगर आपको शॉप से नहीं मिले तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। गूगल पर प्रिमा साटा सिल्क फैब्रिक लिखेंगे तो प्रिंट्स आ जाएंगे और उनका व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएगा, लेकिन वहाँ से काफ़ी इनकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगी जहाँ से मुझे काफ़ी कम प्राइस में कलर्स मिल गए थे। आप देख सकते हैं मैंने गोटा आउटलाइन और कलर कर ली है। फैब्रिक उल्टा करके हम आयरन भी कर लेंगे। इसके बाद हम एम्बेलिश का काम करेंगे। इसके लिए मैंने जो फ्लावर है उसके अंदर गोल दायरा लगाया है पेंसिल के साथ, और ये मैंने सीक्वेंस लिए हैं, ग्लिटर सीक्वेंस है चमक वाले। ये हमने सीक्वेंस लगाते जाना है एक राउंड शेप देते हुए। हमने साथ साथ सीक्वेंस लगाने हैं, ज़्यादा फासला नहीं करना। जैसे हमने फ्लावर बनाना फिर वैसे बनेगा नहीं ज़्यादा फासला करने पे, इसलिए हमने साथ साथ राउंड शेप देते हुए सीक्वेंस को लगाते जाना है। ऐसे ही हमने राउंड शेप देते हुए एक सीक्वेंस की लाइन लगानी है। ये राउंड शेप में सीक्वेंस हमने कंप्लीट करने के बाद सेकेंड राउंड शेप लाइन स्टार्ट करनी है। ये हमने फर्स्ट वाली कंप्लीट कर ली राउंड शेप लाइन सीक्वेंस की, ये सेकंड हमने शुरू की है। ये सेकंड भी सेम ऐसे ही राउंड शेप देते हुए हमने सीक्वेंस लगा देने हैं। ये बहुत आसान है तरीका, आप देख सकते हैं कि कैसे हमने पहले एक लाइन कंप्लीट की राउंड शेप देते हुए, फिर सेकंड हमने राउंड शेप देते हुए सीक्वेंस लगाने हैं। सेकंड जब कंप्लीट हो जाएगी फिर हमें थर्ड स्टार्ट करनी है। जब थर्ड कंप्लीट होगी उसके बाद हमने जो दरम्यान में जगह होगी उसको
देखते हुए हमने 4 लाइन स्टार्ट कर लेनी है, या फिर जितना फासला होगा वहाँ पे हमने सीक्वेंस को बढ़ देना है। ये फ्लावर के दरमियान में हमने सीक्वेंस से भर दिया है। अब जो फ्लावर की ऊपर वाली पत्तियाँ हैं यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े फासले पे सीक्वेंस को लगा देना है। ऐसे ही हमने बाकी सारी पत्तियों में भी सीक्वेंस लगाने हैं। ये आप देख सकते हैं कि बहुत आसान डिज़ाइन है, कोई भी आसानी से डिज़ाइन बना सकता है। ऐसे ही हमने सारा फ्लावर भर देना है। ये मैंने वर्क कर लिया है, दोनों मोटिफ रेडी हो गए हैं। ये मैंने कुर्ता स्टिच भी कर लिया है, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। ये मैंने ईद ड्रेस बनाई है और ईद वाले दिन ही स्टार्ट किया था ये डिज़ाइन। बाकी सारा कुर्ता सिंपल है, बाजू भी देख ले सिंपल है, बस ये चेस्ट पे ही है मोटिफ दो बनाया मैंने। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आए। अगर डिज़ाइन पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके व्यूवर्स, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।